एक जंगल में दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करता था, जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा और उससे कुछ पैसे कमाएगा। और वो जंगल में जाकर पेड़ काटने लगा। उसने बहुत सारे पेड़ काट दिए। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ कटते गए। अंत में आकर वह एक जादुई पेड़ से टकराकर गिर गया। ऐसे में उस पेड़ ने उससे कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दे दूंगा। उस समय तो वो बड़ा भाई सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जाग गया। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसे ज्यादा सेब नहीं दिए तो वह तुम्हें जड़ से काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ ने छोटे भाई को सेब देने के बजाय उसके ऊपर बहुत सारी सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़ा भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटकर रोने लगा। वहीं दूसरी ओर दिन अब ढलने लगा था और छोटे भाई को अपने बड़े भाई की चिंता भी होने लगी थी, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल की तरफ चला गया। उसने उस पेड़ के पास जाकर बड़े भाई को पड़ा हुआ देखा, जिसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। बड़े भाई को देखकर उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटाता गया। ये सभी चीजें देखकर बड़े भाई को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और यह सब देखकर बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन दोनों को वो सुनहरा फल भी दे दिया, जिसकी उन्हें आगे चलकर जरूरत होने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है।